दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा नहीं जाएगी उदयपुर छोड़कर, और यही वजह बनेगी आरोही और अक्षरा के बीच में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल अभिमन्यु रेड सिग्नल पर ही एक आदमी को पीट देता है कुछ उल्टा सीधा कहने की वजह से, और अभिमन्यु को जेल ले जाया जाता है। तो वहीं पर अक्षरा को ये सब जैसे ही खबर मिलती है वो भागकर अभिमन्यु के पास जाती है। तो दूसरी तरफ अक्षरा की बस निकल जाती है और दूसरी तरफ अभिमन्यु को बेल भी मिल जाती है, लेकिन अक्षरा उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और यही खबर गोयनका परिवार तक न्यूज़ के जरिए पहुँच जाती है और गोयनका परिवार भी वहीं पहुँच जाता है, जहाँ पर जेल में दोनों परिवारों के बीच में हंगामा शुरू हो जाता है कि आज अभिमन्यु की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ गोयनका परिवार और उनकी दोनों बेटियों की वजह से, जिसके बाद में पूरा परिवार यहाँ पर गोयनका परिवार भी शॉक्ड हो जाता है। कोई भी अक्षरा को अब अकेले नहीं जाने देगा और अक्षरा को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद में आरोही और अक्षरा के बीच में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट हो जाता है। वो कहती कि तू जाना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो तूने अभिमन्यु को कॉल लगाया और इसीलिए तू रुकी भी, ये सब जो ड्रामा है ना तूने जानबूझ कर किया है, तूने कोई कुर्बानी नहीं दी है, तो महान बनने का ड्रामा तो बिल्कुल भी मत कर। तूने पहले नाटक किया कि तू यहाँ से चली जाएगी, लेकिन तेरी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, और अक्षरा पर ही फिर से आरोही इल्ज़ाम लगाते नजर आएगी, जिसके बाद ने अक्षरा यहाँ पर खुल्लम खुल्ला उसके मुंह पर ही कह देती है कि जो तूने जो भी इल्ज़ाम लगाए ना आरोही और वो बहुत ही घटिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें पता भी है कि मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ। और आरोही उसको इतना उकसा देती है कि अक्षरा सच में उसके मुंह पर ही कह देती कि हाँ मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ और मैं कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैंने कुर्बानी दी। और अक्षरा से गुस्से में ही सही लेकिन इमोशनल होकर ही अक्षरा अपने दिल की बात आरोही के सामने कह देती है, जिससे कि आरोही के भी होश उड़ जाते हैं। अब देखना एक दोनों बहनों के बीच में तो ये सच्चाई आ ही चुकी है और घायलों के सामने भी, लेकिन अभी